खबर रीवा जिले से है, जहां अपराधियों के द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का उपयोग कर वारदातों को अंजाम दिलाया जाता है, जो वारदात को अंजाम देने के बाद कम उम्र होने के चलते बच जाते हैं। ऐसे आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे पदाधिकारियों ने बताया कि अपराधियों के द्वारा बच्चों का उपयोग कर खासकर विश्व हिंदू परिषद के लोगों पर हमले करवाए जाते हैं। आने वाले समय में भयावह स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए उन्होंने मांग की है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सामान्य अपराधियों के ऊपर दर्ज होने वाली धाराओं के तहत मामला दर्ज हो, जिससे ऐसे अपराधियों को बढ़ावा न मिले। आइए सुनाते हैं विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों के साथ ज्ञापन लेने पहुंचे नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला को पूरे मामले को लेकर क्या कहा है। मांग से ये है कि ऐसे कठोर कानून बनाए जाएं जो विशेष तरह की घटनाओं को रोका जा सके। साथ ही साथ इसके नाम क्या मांगे जी, आज हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा पूरे देशव्यापी ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के नाम सौंपा गया है, जिसमें हमारी मांग है कि पिछले कुछ समय में ऐसा देखने को आया है, एक नया पैटर्न आतंकवाद का चल चला है, छोटे बच्चों को बहला फुसला करके और लगातार उनसे हमले करवाए जा रहे हैं। तो इसमें संगठन ने ये मांग रखी है राष्ट्रपति महोदय से, ऐसे कानून बनाए जाएँ जिसमें नाबालिग जो इस तरह के व्यक्ति हैं उनके ऊपर भी वही प्रकरण दर्ज हो जो बालिग लोगों पर दर्ज होते हैं, क्योंकि ये सोची समझी साजिश होती है, ऐसे ही नहीं हो जाता है। साथ ही ऐसा देखने में आ रहा है कि कई जगह पर टारगेट करके बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, चाहे वो असम का मामला हो, दिल्ली का मामला हो, या ऐसे अन्यत्र पूरे देश में हर जगह चल रहा है। तो इस प्रकार की घटनाएँ जो हैं उनको रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जाएँ, यदि नहीं बनाए जाएंगे तो उससे कहीं ना कहीं हमारे देश का माहौल बहुत ही अस्थिर होगा। और इन्हीं सभी मांगों को लेकर के आज हम सभी पूरे देश भर में राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। दिव्यांशु गौतम, बजरंग दल, जिला संयोजक, रीवा। ये आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की संयुक्त इकाई के द्वारा यहाँ पर ज्ञापन प्रस्तुत कर दिया गया है माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम पर कलेक्टर सर के माध्यम से। इसमें जो प्रमुख मांग है संगठन की, वो इसमें ये बताया गया है कि 8 जनवरी 2023 को असम के करीमगंज जिले में एक घटना घटित हुई है, बजरंग दल के 16 वर्षीय कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। उसके अतिरिक्त चार बिंदुओं पर अन्य बिंदुओं हैं, उस पर फिर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, उनकी अपनी मांगें हैं बजरंग दल की, ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया द्वारा उचित माध्यम से अग्रेसित कर दिया जाएगा।